राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने कुछ फसलों की खरीद के लिए पंजीकरण का ऐलान कर दिया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू हो गया है। वहीं आगे कहा गया है कि प्रदेश में खरीद के लिए कुल 889 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उनके मुताबिक 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद शुरू होगी, जबकि 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जाएगी। आपको बता दें कि मूंग के लिए 363 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि उड़द के लिए 166 तो मूंगफली के लिए 267 केंद्र प्रदेश में खोले गए हैं। और वहीं सोयाबीन के लिए 83 खरीद केंद्र प्रदेश में खोले गए हैं, जिसमें से 419 केंद्र क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर तथा 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाए गए हैं। आंजना ने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र एवं खरीद केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद का लक्ष्य 3,02,745 मीट्रिक टन है, जबकि उड़द का 62,508 मीट्रिक टन तो वहीं मूंगफली खरीद का लक्ष्य 4,65,565 मीट्रिक टन रखा गया है, जबकि सोयाबीन का लक्ष्य 3,61,790 मीट्रिक टन तय किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।